कृषि विकास के लिए तकनीक माध्यमों का अधिक इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि किसानों ने एकत्रित होकर उन्नत खेती पर काम करना चाहिए। किसानों के लिए आवश्यक है कि वे फार्मा प्रोड्यूस कंपनी तैयार करें। कृषि उपज को योग्य भाव व बाजार उपलब्ध होना चाहिए। विदर्भ में कृषि विकास के लिए तहसील स्तर पर 5 नर्सरी शुरू करने की आवश्यकता है। एग्रोविजन फाउंडेशन की ओर से होटल सेंटर पॉइंट में कृषि विकास पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में बोल रहे थे। रविन्द्र ठाकरे, सफल डॉक्टर सी डी माई, रवि बोरटकर, आनंद राउत, रमेश रजन सिंह मानकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गडकरी ने आदि किए तकनीकी का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, बढ़ाया जा सकता है। फार्मा प्रोड्यूस कंपनी पंजीकरण रहेगा। बाद में यह तय करना होगा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को किस तरह दिलाया जाए। अंतिम ब्रांडिंग और डिपार्टमेंटल स्टोर से कृषि उपज को अधिक रुपए में भाव मिलेगा। गडकरी ने कपास फसल पोषण अभियान वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। आता अमृत सरोवर बांधले आपण, माझी अजून एक विनंती आहे ठाकरे साहेबांना की आपण पंजाबराव कृषी विद्यापीठामध्ये 36 तलाव बांधले, एखाद्या वेळी आपल्या शेतकऱ्यांना तिथे घेऊन जा आणि त्या तलावामुळे आजूबाजूच्या खेड्यात किती क्रांती झाली, 22,000 विहिरी चार झाल्या, जे शेतकरी आत्महत्या करत होते मुर्तिजापूर तालुक्यामध्ये तिथे आता लिंबाचे बगीचे आले, मोहण्याच्या शेंगाचे झाडं लागली, तिथल्या गावाचं उत्पन्न वाढलं आणि आज गावात लोक समाधानी झाले। अडचणी तिथे ठाकरे साहेबांना सांगा, मला सांगा, मी सगळे प्रश्न सोडवू आणि एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू शकू, याप्रमाणे आपण प्रगती आणि विकासाकडे पुढे वाटचाल करूया। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।